नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का। मेरे पास कुछ बचे हुए चावल है जिसे मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ, साथ में हरी मिर्च, जीरा डाल के। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बचे हुए चावल का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का बनाना। लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का बनाने के लिए मेरे पास एक बड़ा बाउल चावल है, और इसे तड़का लगाने के लिए जीरा है, रिफाइंड ऑयल है, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, 1 से 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, मिर्च पाउडर डालूंगी लगभग 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 से 3 बड़े प्याज है लंबाई में मैंने काटे हुए। प्याज का टेस्ट चावल में बहुत ही अच्छा आता है। शुरू करते हैं लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का बनाना। उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, गर्म हो चुकी है। मैं उसमें तेल डालूंगी 2 बड़ा चम्मच। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डालूंगी, लगभग 2 से 3 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरे का फ्लेवर राइस में बहुत अच्छा आता है, जैसे हल्का ब्राउनिश कलर आता है। मैं इसमें प्याज और मिर्च डाल दूंगी। जीरा अच्छे से भून गया, मैं इसमें प्याज हरी मिर्च डाल दूंगी, और लगातार चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट भून लूंगी प्याज को, जब तक इसका ब्राउनिश कलर आ जाए। लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट मैंने फुल आंच पे प्याज को भून लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है प्याज में। अब मैं इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दूंगी, लगभग 2 चम्मच। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं, और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, 2 मिनट भून लेती हूँ प्याज के साथ मसाले को। प्याज में हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के अच्छे से भून लिया है मैंने, लगातार चलाते हुए फुल आंच पे भून लिया ऐसे। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे। चावल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसको कम आंच पे, एकदम कम आंच पे ढक करके पका लूँगी 2 से 3 मिनट, क्योंकि राइस तो पके हुए हैं, मसाला भी अच्छे से भून गया, बस मसाले का टेस्ट चावल में अच्छे से आ जाए, इसलिए 2 से 3 मिनट स्टीम दे देते ढक करके। धीमी आंच पे मैंने चावल को 2 से 3 मिनट स्टीम दे दिया, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ। हरे धनिया से राइस का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अनियन तड़का राइस खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का तैयार है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी चावल लगते हैं ये, जिसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या दही या दाल के साथ भी खा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपके पास चावल बचे हैं, बस प्याज डालिए, हरी मिर्च डालिए और तड़का लगा लिए, बहुत ही टेस्टी चावल तैयार हो जाएंगे। और कमेंट करके बताना ना भूलें कि लेफ़्ट ओवर राइस अनियन तड़का आपको कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।